दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सोलरेबल। हम में से ज़्यादातर जो भी लोग कहीं पर भी सोलर सिस्टम या फिर इन्वर्टर बैटरी का इंस्टॉलेशन देखते हैं, तो वहाँ पर एक काफ़ी कॉमन सी चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है कि भारी भरकम बैटरी को इन्वर्टर के साथ में जोड़ा हुआ होता है और हर 2-3 महीने में यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे लोग इन सिस्टम को ख़रीदने से ही डरते हैं कि एक बार ख़रीद लिया तो ये मेंटेनेंस की हेडेक हमेशा के लिए बन जाएगी है। लेकिन ये झंझट अब नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे लगाकर आप ऑफिस हो गया, दुकान हो गया, घर या सभी जगह का लोड बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं बिना किसी मेंटेनेंस की हेडेक के। फर्स्ट, जैसा आप देख सकते हैं, बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी सिंपल आपको मिलती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, कंपनी ने प्रोटेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया है। सभी साइड में हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए थर्माकोल लगाए हुए मिल जाते हैं। इन्हें अब साइड में रखते हैं और फर्स्ट हमें यहाँ पर मिल जाती है यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड, जिसके अंदर प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैसे जो फीचर्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको यूज़र मैनुअल के अंदर मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर है हमारा मेन प्रोडक्ट, तो इसे अब बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो फ्रंट साइड में हमें काफ़ी सिंपल और एक एस्थेटिक लुक यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें टॉप साइड में आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिलता है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, और बॉटम साइड में यहाँ पे लिथियम पीसीयू और इलेक्ट्रोवर कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करें लेफ्ट साइड की, तो टॉप साइड में हमें मिल जाता है आउटपुट के लिए पोर्ट, जहाँ से हमारा जो भी लोड है उसे हम चला सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मेंस का वायर मिल जाता है, यानी कि बैटरी को अगर आप ग्रिड की मदद से चार्ज करना चाहते हैं तो इस वायर को आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एसी फ्यूज़ लगा हुआ है, मान लीजिए किसी भी टाइप की कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, सिर्फ फ्यूज़ यहाँ पर जो है वो ख़राब हो जाएगा। कंपनी आपको साथ में एक्स्ट्रा फ्यूज़ प्रोवाइड करती है, तो उसे आप चेंज करके वापस सिस्टम को चालू कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कम्युनिकेशन का पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप क्लाउड मॉनिटरिंग और इसे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक फ़ैन मिल जाता है, और इसके बाद में बैटरी की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, जिसमें बताया गया है जो बैटरी यहाँ पर काम में ली गई है वो 48 वोल्ट की है। इसके साथ में इन्वर्टर के पैरामीटर और उनकी क्या क्या वैल्यू है उनकी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड जो है एकदम प्लेन है, जिसके अंदर हमें किसी भी टाइप का कोई पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर लिथियम बैटरी को काम में लेने की वजह से इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है और इसे इजीली वॉल पर माउंट किया जा सकता है, और उसके लिए कंपनी साथ में हमें यहाँ पर जो भी टूल की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो भी यहाँ पर एसेसरीज रिक्वायर्ड होती है वो कंपनी साथ में प्रोवाइड करती है। इसके बाद बात करें राइट साइड की, तो टॉप साइड में हमें मिलता है एक टेक्निकल स्टिकर, जिसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल हमें बताई गई है। फर्स्ट यहाँ पे मॉडल नंबर बताया गया है, जो कि है ETPL 1KVA 48V DC। इसके बाद में यहाँ पे इसका वेट बताया गया और कुछ बेसिक जानकारी है, तो इसका जो वेट है वो खाली 32 kg है। अगर हम यहाँ पर बात करें 150Ah की एक लेड एसिड बैटरी की, तो वहाँ पर भी उसका वजन लगभग 50 से 60 kg के आसपास होता है, तो लगभग ये उसके आधे वजन के अंदर पूरा आपको यहाँ पे सोलर लिथियम PCU मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे एक सीरियल नंबर इसके बताए गए हैं, और लास्ट में बताया गया है मेड इन इंडिया, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। इसके बाद में इसे स्टार्ट करने की पूरी प्रोसेस बताई गई है, यहाँ पर एक रीसेट का आपको बटन मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे सोलर पैनल को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और लास्ट में यहाँ पर है बैटरी की MCB। इसके अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको एक और फ़ैन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड में फ़ैन लगे हुए हैं, और ये फ़ैन खाली उसी वक्त काम करते हैं जब आप इसके ऊपर कोई लोड चलाते हैं या फिर जब रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करें टेक्निकल डिटेल्स की, मेरे पास इलेक्ट्रोवर कंपनी का 1KVA 48V प्योर साइन वेव सोलर लिथियम PCU है। यह प्रोडक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना है, जिससे सभी कंपोनेंट हाईली एफिशिएंट है। इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर को काम में लिया गया है। यह PCU 72 से लगा के 180 VOC तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है, जिससे किसी भी टेक्नोलॉजी के 1 kW तक के सोलर पैनल को सीरीज में जोड़ के आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम लोड इस सोलर PCU के ऊपर आप चला सकते हैं वो है 800 वाट तक का। इसमें 48 वोल्ट की 24 एम्पियर की लिथियम फॉस्फेट बैटरी को काम में लिया गया है, जिससे लगभग 150Ah की लेड एसिड बैटरी के बराबर हमें बैकअप मिलता है। इस PCU में हमें फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, यानी 1 घंटे में 70% बैटरी चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट बात करें इस लिथियम PCU के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस क्या है और इसके ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं।
इसके लिए राइट साइड में हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट बताया गया है कि अगर आप इसे सोलर पैनल या फिर ग्रिड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको बैटरी की एमसीबी को चालू करने से पहले कर देना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक रीसेट बटन मिलता है जिसको आपको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और लास्ट में यहाँ पे आपको बैटरी की एमसीबी को ऑन कर देना है। एमसीबी को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो फ्रंट साइड में जो आपको स्क्रीन मिलती है वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लग जाती है, जिसमें सोलर पैनल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, बैटरी कितनी चार्ज है, कौन सा मोड है, जो भी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इस पीसीयू को ऑन करते हैं। ऑन करते ही यहाँ पर आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा और इसके बाद में यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं नीचे कुछ इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें यूपीएस का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको टोटल 5 इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें यूपीएस का, चार्जिंग का, बैटरी लो होने पर मेंस का और ओवरलोड के यहाँ पे इंडिकेटर है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ बटन दिए गए हैं, जो बटन यहाँ पर मेन्यू को कंट्रोल करने के काम में आते हैं, जिसमें जो नीचे का बटन है ये मेन्यू में डाउन जाने के लिए, यानी कि नीचे की साइड को चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए ये बटन है, अप साइड के लिए यहाँ पे ये बटन है, बैक साइड के लिए आप इस बटन को काम में ले सकते हैं, और ये वाला बटन यहाँ पे मेन्यू को ओपन करने के लिए और किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर इस बटन को प्रेस करते हैं और प्रेस करते ही यहाँ पर मेन्यू के अंदर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे देती है, जिसमें फर्स्ट दे रखा है व्यू लॉग। व्यू लॉग के अंदर आपकी लाइफ टाइम इस सिस्टम को चालू हुए कितना टाइम हो चुका है, सभी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। वापस आप इस बटन से बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग के अंदर आपको कौन से यहाँ पे प्रायोरिटी मोड सेलेक्ट करना है, इसके अंदर आपको 3 प्रायोरिटी मोड मिल जाते हैं, जिसके अंदर हाइब्रिड, पीसीयू और स्मार्ट मोड आपको मिलते हैं। साथ में आपको ये भी बताया गया है कि कैसे ये मोड जो है काम करते हैं। अगर आप हाइब्रिड मोड यहाँ पर सेलेक्ट करके रखते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सोलर की, इसके बाद में ग्रिड की, फिर बैटरी की, इसके बाद में पीसीयू मोड है, पीसीयू के अंदर सोलर, बैटरी और ग्रिड की प्रायोरिटी होगी, और लास्ट में आपको यहाँ पर बताया गया है कि स्मार्ट मोड के अंदर डे टाइम में ये पीसीयू को काम में लेगा और नाइट टाइम में हाइब्रिड मोड को काम में लेगा। तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें से उनके ऊपर जाके यहाँ पर ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो मोड है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद में ग्रिड से आप इसे चार्ज करना चाहते हैं या फिर नहीं तो इसको भी अनेबल और डिसेबल आप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इन्वर्टर और यूपीएस मोड, अगर आप पीसी वगैरह या फिर कंप्यूटर कोई भी चीज़ काम में लेते हैं तो आपको यूपीएस या फिर आईटी मोड को ऑन रखना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आपको इन्वर्टर मोड भी दे रखा है, तो इन दोनों में से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो इंडिया के अंदर आप इस सिस्टम को अगर काम में ले रहे हैं तो आपको 50 हर्ट्ज़ को ही सेलेक्ट करके रखना चाहिए। अगर आप बाहर कहीं रहते हैं तो आप 60 हर्ट्ज़ को काम में ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको बैटरी की सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको बैटरी कौन सी है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन हाल फिलहाल इसके अंदर इनबिल्ट आपको बैटरी मिलती है तो आपको इसे सेलेक्ट करने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में चार्जिंग के वोल्टेज, चार्जिंग करंट, इन चीज़ों को भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें आगे तो आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग, इसके अंदर अगर आप इसको जनरेटर के ऊपर काम में लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मिल जाता है। बैटरी में आप लो कट और हाई कट वोल्टेज सेट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपने कोई सेटिंग गलत सेट कर दी, आपको लगता है कि उसको डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आपको लेके जाना है तो रीसेट करते ही आपका जो भी पीसीयू है ये पूरी तरीके से जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है उसके अंदर आ जाएगा। वापस आप एग्जिट करके मेन्यू से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ग्रिड से कितना भी वोल्टेज और एम्पियर मिल रहा है, बैटरी कितनी चार्ज है, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी इसके मिल जाती है। इसके बाद में जैसा यहाँ पर बताया गया है सोलर पैनल से कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये सभी जानकारी आपको इसके अंदर ईजीली मिल जाती है। अब नेक्स्ट बारी है लोड टेस्टिंग की, तो लोड टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम काम में लेंगे एक्सटेंशन बोर्ड। तो एक्सटेंशन बोर्ड को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में फर्स्ट हम यहाँ पर कुछ बेसिक लोड को काम में लेंगे, जिसमें ट्यूबलाइट हो गया, मोबाइल चार्ज, यहाँ पे ट्यूबलाइट इससे चल गई है। इसके बाद में मैं मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो मोबाइल चार्ज भी यहाँ पे होने लग गया है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं मिक्सर ग्राइंडर को। तो मिक्सर ग्राइंडर भी काफ़ी इजीली इसके ऊपर चल गया है। अब बारी यहाँ पर कुछ और हैवी लोड यहाँ पर ट्राई करने की, तो इसके लिए मैं यहाँ पर काम में लूँगा आयरन को, तो इसे यहाँ पर डिसकनेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास जो आयरन है ये लगभग 1400 वाट की है, तो इसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, देखते क्या ये इसके ऊपर चल पाती है या फिर नहीं।
तो जैसे ही इसे कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ओवरलोड की बीप स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये यहाँ पर अभी भी काम कर रहा है, यानी कि ओवरलोड होने के बाद भी हमारा जो पीसीयू है ये काम करना बंद नहीं करता है। ये कुछ देर तक यहाँ पे कंटिन्यू जो पावर है उसकी सप्लाई करता रहता है और उसके बाद में यहाँ पे बंद हो जाता है। इसका बेनिफिट हमें उन कंडीशन के अंदर मिलता है जब मान लीजिए आपको कोई पानी की मोटर चलानी या फिर एयर कंडीशनर ऐसी चीज़ें आप काम में ले रहे होते हो, उस वक्त हमें इंस्टेंट जो स्टार्टिंग का पावर होता है वहाँ पे ज़्यादा एम्पियर या फिर ज़्यादा पावर की कंजप्शन उस वक्त होता है। तो ऐसे वक्त के लिए ये जो सोलर पीसीयू ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्योर कॉपर बाइंडेड ट्रांसफॉर्मर से बना है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये 1000 VA का मेरे पास जो है प्रोडक्ट है, कंपनी के पास 1000 VA से लगा के 5000 VA तक के सोलर लिथियम पीसीयू अवेलेबल है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही सोलर पीसीयू का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इस सोलर पीसीयू के कुछ फीचर्स की, तो सबसे बड़ा जो फीचर हमें यहाँ पर मिलता है कि इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। यानी कि अगर आप ऐसी किसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बिजली बहुत ही कम समय के लिए मिलती है, तो वहाँ पर कम से कम समय में ये बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज कर लेगा और जिससे आप पूरे दिन भर अपना लोड चला सकते हैं। वहीं अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी को काम में लेते हैं तो बैटरी को चार्ज होने में 6 से 10 घंटे तक का भी समय लग जाता है। इसके बाद में दूसरा हमें जो फीचर या फिर बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर जीरो मेंटेनेंस है। यानी कि एक बार आपने ये सिस्टम परचेज किया, इसको इंस्टॉल कर लिया और इसके बाद में आपको कभी भी इसके अंदर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है ये प्रोडक्ट प्लग एंड प्ले है। यानी कि आपने एक बार इस सिस्टम को परचेज किया तो सीधे ग्रिड से कनेक्ट करके आप इसे काम में ले सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे सोलर पैनल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो सोलर पैनल और ग्रिड दोनों की मदद से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा आपको किसी भी टाइप के कोई भी कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो चौथा हमें बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि जब हमारी नॉर्मल लेड एसी बैटरी चार्ज होती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हानिकारक गैस बाहर निकलती है, लेकिन इस केस में ये सिस्टम एकदम इको फ्रेंडली है। यानी कि इसके अंदर लिथियम फॉस्फेट बैटरी को काम में लिया गया है जिन्हें चार्ज करते वक्त किसी भी टाइप की कोई भी यहाँ पे हार्मफुल गैस बाहर नहीं निकलती है। तो ये एक और बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट बेनिफिट हमें मिलता है, ये प्रोडक्ट साइज़ में छोटा है और साथ में इसका वेट भी कम है। इसी साइज़ के अंदर अगर आप इन्वर्टर और बैटरी परचेज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट का वेट इस प्रोडक्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग डबल होगा। तो ये भी आपको एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में इस लिथियम पीसीयू में पावर लॉस भी काफ़ी कम होता है। और लास्ट और एक बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल जाता है कि जहाँ पर हमारे नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की लाइफ 5 से 7 साल की होती है, वहीं इस लिथियम पीसीयू की जो लाइफ है वो 10 से 15 साल तक की है, जो एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद बात करें ये सोलर लिथियम पीसीयू या फिर इलेक्ट्रोवर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप कहां से परचेज कर सकते हैं, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है जितने भी इलेक्ट्रोवर कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है वहां से आप इनके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, इसकी प्राइसिंग, ये सभी पूरी चीज़ें जानने के बाद में प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।